बॉल दिया था कहाँ है? पूछो बॉल दिया था कहाँ है? कहाँ है बॉल? बॉल ले आओ, बॉल कहाँ है? कहाँ है बॉल बताओ? जाओ पानी पियो पहले। इधर नहीं है, उधर है, उधर है, पूछो। अरे कोच, ओए सारे गिरा दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं बैठ गई हूँ, जो शॉपिंग करके आई हूँ, तो वही सब चीजें दिखाने के लिए। तो सुबह गए थे हम मॉल, मानू बाबू और मैं, तो काफी सारे शॉपिंग हुआ है, मानू और बाबू का ही हुआ है, तो वही लेके बैठी हूँ। और आपने देखा ना, पूचू का जो दो बॉल लेके आई थी, एक तो मैंने दिया भी, और वो छोटा सा बॉल है ना, कभी टेबल के नीचे, कभी सोफा के नीचे, तो उसी के पीछे लगा हुआ है, और अभी भी उसी के पीछे लगा हुआ है। तो बस उसके लिए एक किसी को खड़ा रहना पड़ेगा कि कभी भी बॉल उसका अंदर चले जाए तो उसे निकाल के दे। तो चलिए एक एक करके कपड़े दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में आया, ये है बाबू का एक जैकेट है, कॉटन में है, कलर बहुत ही अच्छा लगा, और इसका प्राइस है 199। कपड़ा प्योर कॉटन में है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मानू का बाद में दिखाती हूँ, मानू का अभी हाथ में आ गया था। एक है ये व्हाइट में, पीछे कैप है, और फुल बाजू में है, और इस तरीके से इसमें लाइन आ रहा है, और सामने यहाँ पे बटन है, और ये पहन के बाबू को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सामने यहाँ पे पॉकेट दे रखा है, देखिए दोनों तरफ से। और ये भी प्योर कॉटन में है, और ये आपका इसका प्राइस है 1299। कुछ अभी भी बॉल के पीछे लगा हुआ है। एक ये है स्वेटर, सामने से ऐसे है डिजाइन, और पीछे से प्लेन में है। मुझे दिख भी नहीं रहा कि मैं कितना ऊपर कर रही हूं। तो इसका प्राइस है 1499। एक तो ये बाबू को बहुत ज्यादा पसंद आया, और इसका साइज ना अभी ऐसा है कि अभी फिटिंग है, और उसका ऐसा है कपड़े कि 2 महीने अगर पहनेगा ना, 2 महीने भी पूरा नहीं पहनते हैं, महीने में 2-1 बार पहनते हैं, फिर अगली बार जब पहनने जाते हैं उसका टाइट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ फिटिंग वाला उसने, ये वाला उसको पसंद आया, और पीछे ये कैप दिया हुआ है इसके साथ ही, तो उसे इतना पसंद आया कि साइज फिटिंग के बाद भी उसने ले लिया, और कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सेम वही है, सामने से इस तरीके से दोनों तरफ से, सर्दी में हाथ घुसा के चलो ठंड नहीं लगेगा। तो इसका प्राइस है 1599। बैग खाली हो गया ये एक, इतना बड़ा। बाबू ना कपड़े चेंज करने में ना उसे इतना ज्यादा, मतलब उसे इतना दर्द होता है, तकलीफ होता है, पता नहीं क्या होता है, वो कपड़े चेंज ही नहीं करना चाहते। अगर कभी भी हम शॉपिंग पे जाते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ना कि ये पसंद आ गया, चलो ट्रायल एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, लेकिन अगर उसे बोलो तो वो कपड़े लेना ही नहीं चाहते, मतलब इसी चक्कर में कि उसे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आज बोला था कि रात के 9 बजे तक तुम जितना मर्जी शॉपिंग कर सकते हो कर लेना, क्या मम्मी करना जरूरी है क्या, ऐसे बोल रहे। और जबकि उसके कपड़े मतलब लिया था अभी पिछली बार भी, अभी 2 महीने पहले गए थे तब भी लिया था, लेकिन आज मैं उसी के लिए खास गई थी कि जो भी उसका मतलब चाहिए तो उसे आज ही ले ले, क्योंकि वही है ना, चारों के बीच में ना फिर एक का रह जाते, एक का कम रह जाते, तो आज सिर्फ उसी का दिन था।
तो 9 बजे तक टाइम दिया था, बट वो 2 घंटे में थक गया, बस रोने लगा कि और नहीं चाहिए मुझे। तो ये एक स्वेटर है, सामने से ऐसे हल्का डिजाइन है ये वाला, और पीछे से बिल्कुल प्लेन है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये है 1399, ये तो मानो का है। और ये एक है ब्लैक कलर में जीन्स, ये है। और इसका प्राइस है, और सारे आज शॉपिंग हमने पैंतालून से किया है, और ये 899 का। ब्लैक कलर का उसके पास था नहीं, तो ब्लैक और मिल भी नहीं रहा था, और ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन वही है ना, जो वहां का स्टाफ था तो एक के बाद एक दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, फिर कि एक तो लेना ही है, तो वही वाला ले लिया। तो एक ये जीन्स है, ठीक है, सामने से ऐसे। बहुत ही सॉफ्ट है कपड़ा, और इसका प्राइस है 3299, 3300 का ये जीन्स है। बस ये बैग भी खत्म। तीन जीन्स में वो थक गया इतना कि और नहीं चाहिए उसे, और एक ये वाला, ये एक तरफ ऐसे रिप्ड है, ठीक है, और पीछे से तो ऐसे है। और इसका प्राइस है आपका 2499। तो ये तो गया बाबू का, तो बाबू का खत्म हो गया, और मैंने उधर गिना भी नहीं था कितना है। तो 3 तो हो गया इसका जीन्स, 2, 3, 4, 5 स्वेटर और जैकेट मिला के 5 और 3 जीन्स, बस उसका हो गया दिवाली का शॉपिंग। अब मैं दिखाती हूँ मानू का। मानू ने तो ये ब्लैक कलर में लिया है, शॉर्ट में है, लॉन्ग में नहीं है, ये नेक है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है उसे पहन के। और इसका प्राइस है 1499। ये है रेड वाला, ये तो सुबह जिम जाते हैं तो उसके लिए बस प्लेन उसे चाहिए था, अभी थोड़ा थोड़ा ठंड है ना, सुबह 6:30 बजे जाते हैं। तो इसका प्राइस भी 1499 ऐसे है, पीछे प्लेन है, बस सामने कुछ लिखा हुआ है। और ये जैकेट भी उसने जिम के लिए लिया है, हल्का ठंड के लिए, पीछे कैप है, और ऐसे है रेगुलर जिम के लिए यही वाला कलर लिया है, कलर तो वहाँ पे बहुत था। तो इसका प्राइस है 1799। और बस मानू का भी खत्म। ये है उसका एक स्वेटर, कलरफुल, देखिए और इसका प्राइस है 1299। तो बस ये गया मानू का, और सब कुछ बिलिंग, ये सारी चीजें बिलिंग हो जाने के बाद जब मैं आ रही थी, तो मुझे ये सब कुछ लेने के बाद जब बिलिंग हो गया था, उसके बाद मैं मुझे आते टाइम अभी सर्दी में रात को पहनने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, तो ये लिया है। तो ये लोअर मैंने ले लिया, देखिए ये वाला तो मानू ने पसंद किया, मैंने देखा भी नहीं था, मानू को बोला कि एक देख दो, तो उसने ये पसंद करके दिया। और कपड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बस घर में पहनने के लिए है। और इसका प्राइस क्या लिया है, 1049, बस लोअर लोअर।
और यहाँ पे एक रिबन सा दिया हुआ है बांधने के लिए, और ये है नाइट सूट का सेट है, ये ऊपर ये टी शर्ट हाफ में लिया है, फुल में नहीं लिया है, ठीक है, और इसके नीचे ये कलर, ये मानू को बहुत अच्छा लगा तो मानू ने ले लिया, काफी लंबा है तो नीचे से थोड़ा सा कटवाना पड़ेगा, और ये दो का सेट लिया है आपका 1399 1399। बस ये मेरा हो गया, और लास्ट में लिया है पूछू के लिए दो टॉय, अब पूछू के लिए बोला ना तो ये नीचे आ गया। उसको ना कुछ भी, उसको बॉल देने के बाद भी ना सारे पैकेट को ना अंदर से देख रहे हैं, मुंह घुसा घुसा के देख रहे हैं कि क्या है उसके अंदर। तो ये लिया है हॉट बैग, ये पहले भी था हमारे पास, लेकिन वो दो ढाई साल हमने यूज किया, उसके बाद ना यहाँ से कहीं से ना वो लीकेज हो गया, तो वो सारे अंदर का जो भी जेल होते हैं कुछ होते हैं ना तो वो निकल गया, तो वो खराब हो गया। और उसके बाद मुझे मानू ने फिर यहाँ सामने मार्केट से वो एक वो होते हैं ना प्लास्टिक वाला जो होते हैं वो वाला लेके आया था, बट उसमें ना उतना आराम नहीं मिलता क्योंकि वो एकदम स्किन में एकदम गर्म टच होता है ना, तो ये वाला बहुत ही अच्छा होते हैं, कपड़े मोटे होते हैं, आप कहीं पे भी अगर आपको सिकाई करना है तो इस तरीके से आप रख सकते हो, और मानू तो सर्दी में ना ऐसे इसे गर्म करते हैं और ऐसे हाथ घुसा के ना ऐसे सो जाते हैं, तो इसे गर्म करके दिया था तो ये अभी इसलिए इतना भारी लग रहा है। कलर कैसा लग रहा है? कलर और भी था वहां पे, और ये आपका लिया है 799 का, और जब पहले हमने लिया था ना तब ये सेम चीज था बट वो 699 का था, और अभी 100 रुपए बढ़ा दिया है दो ढाई साल बाद, तो ये 799 का है। तो इसके साथ जो चार्जर आते हैं ये भी है, और पूछू का बॉल पूछू के पास है, और जो दूसरा है वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि उसे ना पता ही चल जाएगा, फिर वो उसे लेने के लिए वो पहला वाला छोड़ देगा। और मानू ने ये लिया है कान का और गले का, और आप लोगों को पता है ना अभी कुछ दिन नहीं महीना पहले चांदनी चौक से उसके लिए 3 गोल्ड का चेन लेके आई थी, फिर भी उसे ये आर्टिफिशियल में चाहिए था, और वो पहनती नहीं है ये, अगर आर्टिफिशियल कुछ भी पहनती है ना चाहे वो पहने चाहे मैं पहनूं वो गले में ना रैसेस हो जाता है और इतना बुरी तरीके से होता है ना, और उसे ठीक होने में ना 1-2 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन डिजाइन इतना सुंदर लग रहा है देखिए। और एक के साथ एक फ्री था, तो चेन देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही पतला है, और ये वाला तो और भी सुंदर है देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, और इसके चेन का जो डिजाइन है ना वो अलग है, और ये 575 का है और ये 775 का है, तो ये 775 का है, और ये पता नहीं कैसे क्या है कि दो के साथ एक फ्री है, किसके साथ कौन सा प्राइस लगाया नहीं पता मुझे। और ये लिया है एक कान का, और ये आपका 675 का है, ये तो सिंपल रिंग है कान का बाली, कान के बाली, और ये वाला तो बहुत ही सुंदर है। गए थे हम दिवाली के छोटे मोटे शॉपिंग करने, बट दिवाली के शॉपिंग तो हुआ नहीं, मतलब कपड़े की शॉपिंग हुआ, बाकी जो कुछ और लेना था वो तो लिए ही नहीं, और हमें आने में भी काफी टाइम लग गया, हम आए 7:30 बजे। और ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, तो ये लिया है 345 345 रुपए का। तो ये रहा आज हमारा शॉपिंग ब्लॉग, संजीव कपूर का रेस्टोरेंट है मॉल के अंदर ही, तो काफी दिनों से जाना था तो सोचा चलो आज ही चले जाते हैं, तो वहां पे खाना वाना खाया, खाना मतलब
अच्छा था। ये नहीं है कि स्पेशल कि संजीव कपूर का है तो बहुत ही अच्छा है या टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा होता है ना कि खास कोई सेफ अगर रेस्टोरेंट खोलते तो कुछ डिफरेंट होगा, बट कुछ भी डिफरेंट नहीं था, बस नॉर्मल खाना ही था। एक बार खाना था तो गए थे हम वहाँ पे, और वहाँ पे हमने लिया था कढ़ाई चिकन, बटर चिकन सब हाफ हाफ लिया था, और एक बिरयानी और गार्लिक नान और प्लेन नान, बटर नान और मोहितो वगैरह लिए थे। बस यही था हमारा आज का पूरा दिन का ब्लॉग। और आज थर्सडे है तो आज मेरा छुट्टी था, मूवी का प्लान था और शॉपिंग का तो था ही, तो बस थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बाहर घूमने गए। रिलैक्स होने के लिए जाते हैं और पैर में दर्द लेके आ जाते हैं। तो और आप लोगों का दिवाली की शॉपिंग हो गया या चल रहा है अभी बताइए। पता नहीं ये ब्लॉग कब मानो एडिट करके देगी, क्योंकि जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ ये शॉपिंग ब्लॉग जो भी ब्लॉग होते हैं वो सारे मानो एडिट करते हैं, तो ये पता नहीं ये ब्लॉग कब जाएगा। ये आज है आपका 28 तारीख, 28 है 29 है तो हाँ 28 है और थर्सडे है राजा। और पता नहीं मानो कब ये ब्लॉग एडिट करके देगी। और जो भी शॉपिंग ब्लॉग और डेली ब्लॉग में जो भी कुछ मतलब शॉपिंग का या बाहर जाने का जो भी ब्लॉग होते हैं ना वो मानो एडिट करते हैं। और बाकी फूड डिवाइन के और फूड डिवाइन बांग्ला और जो रेखा दास के टिप्स एंड ट्रिक्स के जो भी वीडियो जाते हैं वो मेरा एडिटर करते हैं। तो बाकी जो ब्लॉग का है वो मानू के हाथ में है, तो वो बहुत ही ज्यादा लेट काम करते हैं। तो अभी मैंने बोला ही इसे एडिट करके देना, तो मैं कल अपलोड करूंगी। अब अगर दिवाली के बाद जाते हैं तो आप सभी को दिवाली के ढेर सारे शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को दीपावली के ढेर सारे शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।